और बॉलीवुड क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरुण, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो करण। मैं जान गया हूँ, प्रकाश के खूनी मेरे भाई के साथी हैं। मैं ये भी जान गया हूँ कि भैया सिर्फ मेरी वजह से उनके साथी बने। मेरी एक जिंदगी को बेहतर करने के लिए भैया ने कई बेगुनाहों की जान तक ले ली। कहने लगे मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन पर मुझे तो नहीं चाहिए था ये सब कुछ। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ऐसा ना मैं अपनी जान ले लूं। नहीं प्रकाश भैया मारे गए, मैंने सहन कर लिया। अब तुम जहां भी जाओगे मुझे भी अपने साथ ले जाना। अब्दुल, किशन का भाई अपना भाई, इसीलिए तो अभी तक वो जिंदा है, वरना अब्दुल का वार कभी खाली नहीं जाता है। करण पुलिस से मिलने गया था किशन भाई। करण को समझा दे किशन, इसमें करण का कसूर नहीं है, वो लड़की है ना प्रकाश की बहन। तो फिर प्रकाश की बहन को समझा। यही है वो आदमी। अब्दुल खान, जितनी अच्छी बांसुरी बजाता है सर, उतनी सफाई से गले भी काटता है। एक बार सबूत हाथ आने दे, फिर देख। तू गवाही देगा ना? हाँ। तुम्हारे भाई के साथ काम करता है ये, मैं जानता हूँ। एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट के सामने इसे पहचानना होगा। सर आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा सर। ठीक है मिरानी। सर अब्दुल कोला, कल सुबह ये उसके खिलाफ गवाही देगा। कल सुबह एक पुलिस वाले का खून हुआ है ना सेठ, उसका एक हरफ हमको फांसी का फंदे तक पहुंचा सकता है।
तो फिर उसे चुप करा दे। वो मेरा भाई है। तो क्या जा अब्दुल? न भाई न बहन न बीवी न बेटा। धंधे में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जा अब्दुल, जा। नहीं अब्दुल, मैं समझाऊंगा उसे, ना सेट, मैं समझाऊंगा। मेहनत से जमाया हुआ इतना बड़ा धंधा एक बच्चे की नादानी की वजह से मिट्टी में मिल सकता है? मेरा तो कोई है नहीं, मेरे मरने के बाद ये सब किसका है? तेरा ही तो है किशन। करण को चुप रहना होगा या जाना हो, तू उसे अपने लॉन्च पे ले जा, समझा? नहीं समझे तो गोली मार दे। आना, हमारा बच्चा। भाई भाई का प्यार अगर बीच में आए तो दोनों को गोली मार दे। चल। मरना ही चाहता है ना तू? चल, चल, मैं मारता हूँ तुझे। चल, चल। बोलने वाला हूँ, मतलब समझ में नहीं आता क्या पुलिस स्टेशन में क्या बोलेगा? यही जानना था तुम्हें, इसलिए तुम मुझे यहाँ ले आए। अपने खुद भी मरेगा, साथ में पारो को भी मरवाएगा। ये तो एक दिन होना ही था भैया, अब तुम इससे बच नहीं सकते। जिस तरह तुमने दूसरों का खून बहाया है, वैसे एक दिन तुम्हारे अपनों का खून बहेगा। क्योंकि वो सारी गोलियां जो तुमने दूसरों के सीनों पर चलाई, कोई एक दिन तुम्हारे अपनों के सीने पर चलाएगा। यही होता आया भैया, यही होगा। ज्यादा बोल मत, आज के आज यहां से निकल जा। डर कर भाग जाओ। भाग मत भाई, भाग मत, अपनी जान बचा। यहां रोजाना खून होते हैं, लोग खड़े रहकर तमाशा देखते हैं। सब तमाशा नहीं देखते भैया, कुछ लोग लड़ते भी हैं। हाँ हाँ, प्रकाश लड़ा था ना, क्या हुआ उसका? कहां पहुंचा वो? अन्ना जैसे लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब उसके हाथों बिके हुए हैं। तुम भी? हाँ मैं भी, मगर मैं बिकावा नहीं हूं। मैं प्रकाश के खूनियों को फांसी दिलवाऊंगा। अगर तुम उनमें से एक हो तो तुम्हें ही। तू मुझे फांसी दिलवाएगा? हाँ दिलवाऊंगा। अपने भाई को फांसी दिलवाएगा तू? हाँ। हम यहां कब तक होके रहेंगे? जब तक तू चुप रहने का वादा नहीं कर लेता। कैसे चुप रहूं भैया? अगर तुम्हारी आंखों के सामने कोई तुम्हारे दोस्त को गोली मार दे तो तुम चुप रहते? अगर कोई तुम्हारे भाई को गोली मार दे तब भी तुम चुप रहते, तमाशा देखते? तू अमेरिका से वापस ही क्यों आया? तो फिर कहां जाता मैं? यहां नहीं आता तो कहां जाता? मेरा सब कुछ तो यहां है। पारो, प्रकाश, तुम, मेरा भाई। करण नहीं माने आना, तू वापस चले भैया। इसकी जरूरत पड़ेगी, अपने पास रख, वक्त आने पर चलाना।
भैया भैया मैं घर नहीं आऊंगा। क्यों? मैं पारो के पास जाऊंगा। ठीक है, चल मैं छोड़ देता हूं। मैं खुद ही चला जाऊंगा। इसे रख लो, मुझे किसी को नहीं मारना, इसकी मुझे जरूरत। इसे रख करण, अपने पास रख। Wow.